देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक बहुत ही गैर जिम्मेवाराना बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो पहले के चुनाव थे उसको भारतीय जनता पार्टी ने इसराइल के साथ मिलकर दुबई में बैठकर जो ईवीएम थी उसकी हैकिंग कराई। अब ये सिर्फ और सिर्फ जो जन मुद्दे हैं उनसे अपना ध्यान भटकाने की कोशिश है। अगर ऐसा ही था तो इन्हें बताना चाहिए कि 2019 के चुनाव में, जब दिसंबर में चुनाव हुए थे, तो राज्य में इनको प्रचंड बहुमत मिला था, तो क्या इन्होंने भी इजरायली कंपनी के साथ दुबई में बैठकर ईवीएम की हैकिंग की थी? देखिए, सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप नहीं लगाना चाहिए, लेकिन राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि ये जन मुद्दों से, आम आदमी के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए, झामुमो के नेताओं का बहुत ही गैर जिम्मेवाराना बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को शर्म आनी चाहिए कि उसने कहा है कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। ये नेता भूल जाते हैं कि जो हेल्थ है वो स्टेट सब्जेक्ट है, यानी राज्यों का विषय है, और जो केंद्र ने जवाब दिया था लोकसभा में उसमें स्पष्ट कहा था कि ये जो डेटा आए हैं राज्यों के, उसके आधार पर ये कहा गया जा रहा है कि जो ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। अब अगर राज्य डेटा नहीं देंगे, झारखंड डेटा नहीं देगा, महाराष्ट्र डेटा नहीं देगा, और राजस्थान इस बात से इनकार करेगा कि ऑक्सीजन से कमी से कोई मौत हुई है, तो केंद्र का सिर्फ कार्य डेटा संग्रह करना है और उसी डेटा संग्रह के आधार पर इन्होंने बयान दिया, लेकिन ये भूल जाते हैं कन्वीनियंटली इन चीजों को। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।